नमस्कार। आज के पाठ का विषय है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। पाठ के विषय, सबसे पहले हम जानेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार तथा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, उसके पश्चात हम मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में ज्ञान लेंगे। दही और ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीवों का कैसे प्रयोग किया जाता है, यह भी हम जानेंगे। उसके बाद हम सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक तथा औषधीय प्रयोग जानेंगे। अंत में हम सूक्ष्म जीवों के पर्यावरण शुद्धिकरण में महत्व को समझेंगे। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक। हम इनमें से कुछ को आवर्धक लेंस से देख सकते हैं, परंतु हम अन्य सूक्ष्म जीवों को आवर्धक लेंस से भी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना होगा। सूक्ष्म जीवों को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल। विषाणु भी सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं, परंतु वे सिर्फ परपोषी में ही गुणन करते हैं। पोलियो और खसरा जैसी बीमारियां विषाणु से ही होती है। क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा शैवाल श्रेणी के सूक्ष्म जीव हैं। वहीं अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ श्रेणी के सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? जीवाणु की तरह सूक्ष्म जीव एक कोशिका के भी हो सकते हैं। वहीं शैवाल और कवक की तरह वे बहुकोशिका के भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव हर तरह की परिस्थिति में रह सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र होते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग लिए जाते हैं। उदाहरण, दही, ब्रेड और केक बनाना। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी ये हमारी मदद करते हैं। कार्बनिक अवशिष्टों का अपघटन भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है। दही और ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीवों का महत्व। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उनमें से एक है लैक्टोबैसिलस। यह बैक्टीरिया दूध को दही में बनाता है। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। रवा, भटूरे और इडली का संघटक भी दही ही है। भटूरे के लिए हम मैदे में ईस्ट डालते हैं। ईस्ट तीव्रता से जनन कर उसके श्वसन के दौरान CO2 बनाता है। यह CO2 गैस मैदे के आयतन को बढ़ा देती है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जौ, चावल और फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा शराब का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब औषधीय उपयोग जानते हैं। प्रतिजैविक दवाइयों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। पशु आहार में भी
प्रतिजैविक मिलाई जाती है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। आप सभी ने वैक्सीन का नाम तो सुना ही होगा। चलिए समझते हैं वैक्सीन होता क्या है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तब हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि यदि वही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में वापस प्रवेश करे तो उससे कैसे लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमेशा बने रहते हैं और रोग कारक से हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार वैक्सीन अथवा टीका कार्य करता है। चेचक, क्षय, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु और शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। ऐसे जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, इन जीवों को नाइट्रोजन स्थिरी कारक कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। इनका प्रमुख कारण है कि सूक्ष्म जीव इन मृत जैविक अवशिष्टों का अपघटन कर उसे सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हानिकारक पदार्थों को निम्नीकरण कर सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में हमारी मदद करते हैं। चलिए जानते हैं कि इस पाठ में हमने अब तक क्या-क्या सीखा। पहला, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? एक कोशिका या बहु कोशिका के जीव, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव चार प्रकार के होते हैं, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु। अंत में हमने मित्रवत सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना तथा उनके प्रयोग को समझा। उनके प्रयोग कुछ इस प्रकार हैं। औषधीय प्रयोग। सूक्ष्म जीवों को टीकाकरण के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों को शराब बनाने में उपयोग लिया जाता है। पर्यावरण शुद्धिकरण। और अंतिम, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। धन्यवाद।